हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास है अर्टिका 7 सीटर कार। इस कार के मैं एक दो नुकसान बताने जा रहा हूं, जो कि कमी बोल सकते हैं इस गाड़ी में। वो कमी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इस गाड़ी में क्या कमी है। बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कमियां हैं जो कंपनी ने प्रोवाइड ज़रूर की, लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं की हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं। बाकी गाड़ी डिज़ाइन में, लुक में, कीमत में और स्पेस में बहुत बढ़िया है, आपको दिख रहा होगा। उतना अच्छे से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो दिख रहा है जितना बता सकता हूँ मैं। तो रही बात इस गाड़ी की, मुझे कमी जो लगी वो कमी ये है, ये जो अपने पैडल हैं, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, और इस बीच में यहाँ पे फुटरेस्ट दिया है। ये फुटरेस्ट कंपनी ने दिया ज़रूर है इसको, लेकिन इसमें कमी मुझे कहाँ लग रही है, ये देखिए दोस्तों। जैसे कि हम कोई ज़्यादा स्पीड में रहे या अचानक से सडनली अपने को क्लच ब्रेक दबाना पड़ गया, तो अपना पैर या जूता यहाँ पर फंस सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फंस रहा है, मुझे थोड़ा तिरछा करके पैर निकालना पड़ रहा है, जबकि कंपनी ने यहाँ पे फुट रेस्ट प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देना चाहिए था, थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम हो गई। ये देखिए दोस्तों, ये जो देखिए मैं यहाँ पैर ले जा रहा हूँ तो ये अटक रहा है। ये देखिए मैंने ये कमी काफ़ी दिन से इसमें नोटिस किया था, लेकिन इसके ऊपर से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और एक कमी और है जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा, हमारे वीडियो पर बने रहें, आपको बताते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह चीज़ और यह कमी कंपनी को थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए। ये मुझे पता नहीं है, इसके बाद जो अभी फ़िलहाल में न्यू मॉडल आया है अर्टिका का, उसमें ये सुधार किया होगा शायद, ये क्योंकि ये चीज़ मैंने उसमें नहीं देखा, मैंने इसको चलाई भी नहीं। अब ये गाड़ी में यूज कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो कमी है, जो पैर फंस रहे, ये देख लो मेरे चप्पल फंस रहे दोस्तों, ये देखो ये फंसते जा रहे हैं, ये कमी कंपनी को सुधार करनी चाहिए। और एक कमी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो कमी ये है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अभी मैंने चलाई है गाड़ी, ये एवरेज दे रही है 14.5 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। खैर, हालांकि चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार से ड्राइवर उस गाड़ी को चलाता है, किस प्रकार से नहीं। बाकी यह एवरेज कंपनी ने नहीं दिया है, कंपनी ने इससे बढ़कर एवरेज क्लेम किया है गाड़ी में, कितना एवरेज देगी। और इस गाड़ी में हमको 14.5 का एवरेज मिल रहा है, जो कि आज के महंगाई के ज़माने के हिसाब से बहुत ही कम गाड़ी एवरेज दे रही है। यह चीज़ थोड़ा सा कंपनी को सुधार करनी चाहिए, यह मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी गाड़ी ओवरऑल डिज़ाइन में, लुक में, पावर में कोई भी दिक्कत नहीं है। लोग बोलेंगे कि चलाने के ऊपर भी है, कोई बंदे और भी अच्छे चलाते होंगे, जिसके कारण गाड़ी और भी अच्छी एवरेज देगी। तो दोस्तों, मैंने सब प्रकार से चला के दे दिया, गाड़ी 15 से ऊपर एवरेज दे ही नहीं रही है। हालांकि अभी तो हल्की सी मैंने तेज चला के लाया गाड़ी, ऐसी भी चली थी जरा सी, ज़्यादा लंबा चला नहीं मैं, फिर भी 14.5 का एवरेज दे रही है। इससे ऊपर लास्ट 15 पे गई थी नॉन एसी में, और नॉर्मल ही मतलब बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, तब 15 का एवरेज दिया उसने, और मैं इसके एवरेज से संतुष्ट नहीं हूँ। और ये जो फुट रेस्ट जो बताया मैंने आपको, इसमें पैर फंस रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, तो ये चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि यहाँ पे भी जगह है, इधर भी जगह है और इधर भी जगह है, तो बता रहा हूँ आपको, इधर और भी जगह दे सकते हैं कंपनी। बाकी चीज़ दी बहुत अच्छी, वो
लेकिन थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए, जैसे कि कोई ट्रैफिक में छटके से सामने कोई लोग आ जाते हैं, कोई व्यक्ति आ जाते हैं, तो अगर अपन क्लच दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, तो ये बैर फंस सकता है, यहाँ पे बैर फंस सकता है। ये है इस गाड़ी की कमी। आशा करता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में। इसी के साथ दोस्तों हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। आपको कोई नई सीख मिली होंगी अर्टिका गाड़ी के बारे में। इसी के साथ हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।